हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी निमकी। ये बहुत इजी रेसिपी है और खाने में बहुत यमी और टेस्टी लगता है। ये देखिए, ये मैंने मैदा लिया है और मैदा में मैं ये सॉल्ट मिक्स करूंगी, ये अजवाइन, और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा चीनी ऐड करूंगी। इसके अलावा ऑयल, रिफाइन ऑयल, आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। और इसे हम लोग अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स करने के बाद हम लोग इसे पानी से गूंदेंगे। आटे को पानी मिक्स करके धीरे धीरे एक डो बनाएंगे। ये इस तरह से हमें देखना है, ये इस तरह से बन रहा है। अगर आप ये मुट्ठी में बांध रहे हैं इस आटे को, इसका मतलब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ऑयल सही क्वांटिटी में इसमें मैं मिलाई हूँ, ये चेक करने का बेस्ट आइडिया है। अब मैं इसे धीरे धीरे पानी डाल के गूंदूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी डाल के एक डो रेडी करूंगी। ये बहुत इजी रेसिपी है, आप इसे घर में जरूर ट्राई करें और ये शाम के चाय के साथ आप इसे खा सकते हैं। ये बहुत क्रंची और यमी लगता है। ये देखिए, हमारा ये आटा रेडी है गूंद के। अब इसे मैं छोटे छोटे लोई में लूंगी काट के, और इसे भी अच्छे से इस तरह से आपको मिलाना है और इसे अच्छे से रोल करके लोई बना लेना है। और चकला बेलन की मदद से हम लोग इसे बेलेंगे। इस तरह से हम लोग चकला बेलन की सहायता से इसे अच्छे से बेल लेंगे, पूरा फैला के बिल्कुल पतला बेलेंगे। आपको मोटा चाहिए तो आप मोटा भी बेल के इसे कटिंग कर सकते हैं, लेकिन पतला ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में और वो मार्केट जैसा भी बनता है पतला, अगर आप बेलते हैं और कटिंग करते हैं तो। ये देखिए, मैंने बिल्कुल पतला इसे बेल लिया है। अब इसे हम लोग एक चाकू के सहायता से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम लोग कटिंग करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे की वीडियो देख सके, और इस तरह से कटिंग कर लें। ये साइड से भी, और इसे आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, ये कुछ नहीं होगा, आपस में चिपकेंगे भी नहीं। इसे हम लोग एक प्लेट में इस तरह से निकाल सकते हैं, ये कुछ भी नहीं खराब होगा, आपस में नहीं चिपकेगा क्योंकि इसमें मैंने ऑयल डाला है। इस तरह से निकालेंगे और हम लोग एक कढ़ाई गर्म करके और हम लोग इसे फ्राई कर लेंगे। एक कढ़ाई में तेल गर्म कर लेना है, रिफाइन ऑयल। और तेल हमारा गर्म हुआ या नहीं ये चेक करने के लिए मैं एक निमकी इसमें डालूंगी। ये देखिए, और इस तरह से ये अगर ऊपर आ गया इसका मतलब हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम लोग इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ये डालूंगी। ये देखिए, ये इस तरह से हल्का रेड हो गया। तो अब हम लोग इसे
निकाल लेंगे। ये मैंने सारा निकाल लिया है, अब मैं ये दूसरी बार ये डालूंगी। ये देखिए ये सारा फूल रहा है। ये आप देखिए मार्केट में जो नमकीन मिलता है वो भी इसी तरह से सारा फूलता है। तो मैं आपको पास से दिखाऊं, ये देखिए इस तरह से ये जैसे बटोरे या फिर पूड़ियाँ फूलती है इस तरह से ये फूल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये करंची नहीं है, ये करंची है और ये मार्केट जैसा टेस्ट भी आपको देगा। अब इसे हम लोग रेड करके निकाल लेंगे। ये हमारा होममेड नीमकी रेडी है। ये देख सकते हैं आप, ये सारे नीमकी मेरे फूले हैं और करंची भी है। आप इस तरह से आप तोड़ के देख सकते हैं ये सारी करंची। ये हमारी नीमकी रेडी है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।